हाँ तो देवी और सज्जनों, क्या हाल है आप सबका। होपफुली आप सबका हाल अच्छा है। आज हम सैमसंग A30s की अनबॉक्सिंग तो करेंगे, बट वीडियो में आपके लिए सरप्राइज भी है। कुछ ऐसी इसकी पैकेजिंग है, ठीक है। ये मैंने जो है प्रिज्म क्रश ब्लैक कलर में लिया है। यहाँ पर आपको जो है इसके कुछ स्पेक्स मेंशन किए गए हैं। ये 464 वाला वेरिएंट है। अगर उसके बाद मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो यहाँ पर डब्बे पे लिखी गई है 19,000 इसकी प्राइसिंग, ठीक है जी। बट ये जो है 17,000 रुपये में लॉन्च हुआ है। अगर आप जगराओं या लुधियाना के आसपास से एरिए से हैं तो आप सनी मोबाइल पॉइंट को जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ये जो है स्मार्टफोन्स लिए हैं एंड आपको अच्छी डील्स मिल जाएंगी। इनके डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। कोई वैसे स्पॉन्सर्ड नहीं है, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इनकी सर्विस काफ़ी अच्छी है। अगर मैं इसे अनबॉक्स करूँ ना, ठीक है, तो वैसे यार काफ़ी एक्सपेंसिव ये गैजेट्स होते हैं, तो आपको पता है कि अगर आप वीडियो को लाइक वगैरह कर दोगे, कमेंट कर दोगे, तो थोड़ी सपोर्ट हो जाती है हमारी, ठीक है। एंड ये उठाया हमने दुल्हन का घूंघट, साइड में रख दिया। सबसे पहले हम स्मार्टफोन को नहीं, यहाँ पर ना पीछे इन्होंने एक डब्बा दिया है जिसमें दाज का सामान आता है स्मार्टफोन के साथ। जैसे दुल्हन के साथ दाज आता है ना, वैसे ही इसके साथ भी दाज आता है। तो इसमें क्या होता है कि एक केस आपको देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है। एंड उसके बाद ये कुछ आपको पेपर वर्क इसमें देखने को मिलेगा। पढ़ने की नीड नहीं है कौन सा आपके पेपर होने हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इसकी हेड की रेटिंग है वो है 1.38, जो कि अंडर द लिमिट है। इससे करते हैं साइड में, ठीक है। यहाँ पर है आपका स्मार्टफोन, ठीक है, जो कि ब्लैक कलर में है, बाद में देखते हैं। एंड अच्छी बात यह है कि जब मैंने गैलेक्सी A50s की अनबॉक्सिंग की, जो कि वाइट कलर में है, उसकी एक्सेसरीज वाइट कलर में आई। एंड आपका जो A30s है ब्लैक कलर में है, तो ब्लैक कलर में आपको एक्सेसरीज देखने को मिलेंगी। ये काफ़ी अच्छी बात है मेरे ओपिनियन से, ठीक है। यहाँ पर आपको चार्जर देखने को मिलता है जो कि अडेप्टिव फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है 15 वॉट के ऊपर, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप सी केबल देखने को मिलती है। एक मिनट दिखाता हूँ। एंड उसके बाद आपको सैमसंग के ही बेसिक ईयरफोन देखने को मिलते हैं। तो ये कॉन्टेंट है डब्बे में। चलिए स्मार्टफोन को देखते हैं। तो ये है जी स्मार्टफोन। सैमसंग ने यहाँ पर कुछ कवर्स लगाए हुए हैं, हम इसे हटा देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एक स्टिकर भी है, हम इसे भी एक मिनट के लिए साइड करते हैं। एंड कहना पड़ेगा गाइज, ऑल दो यहाँ पर ना इसका कलर ब्लैक है, बट बहुत ही प्यारा कलर है। अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पर शिमर आ रहा है कलर्स का, डिफरेंट डिफरेंट। बट यहाँ से जो इस एरिया से फील है ना, जो लुक है, वो बहुत डिफरेंट एंड बहुत ही प्यारी है। A50s की तरह बहुत अच्छा हाथ में ये स्मार्टफोन फील हो रहा है, काफ़ी स्लिम और स्लीक है। अभी मैं इसे बूट करता हूँ और आपको इसका फिजिकल एंड स्पेक्स ओवरव्यू भी देता हूँ। अगर इस स्मार्टफोन के मैं फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं, सबसे पहले आपको बैक साइड में ट्रिपल रेयर कैमरास देखने को मिलेंगे वर्टिकल ओरिएंटेशन में, जिसके नीचे है सैमसंग की ब्रांडिंग, और आपको बैक पे कुछ नहीं देखने को मिलेगा। बॉटम की साइड आपको टाइप सी स्पीकर, आपका हेडफोन जैक और प्राइमरी माइक्रोफोन देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड आपकी डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड वाली सिम ट्रे है। ऊपर की साइड सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन है। राइट हैंड साइड आपका पावर बटन और वॉल्यूम रोकर्स देखने को मिलते हैं, जिनकी टैक्टाइल फील अच्छी है। फ्रंट की साइड आपको फ्रंट कैमरा के साथ ईयरपीस देखने को मिलेगा, जिसके बाद है 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले। ये जो स्मार्टफोन है 4000 mAh की बैटरी के साथ आता है, बट काफी स्लीक फील होता है। इसकी जो वेट मैनेजमेंट है वो काफी बढ़िया तरीके से की गई है। एंड बैक ऑल्दो प्लास्टिक से बनी है, बट लुक काफी बढ़िया है। अगर इस स्मार्टफोन के मैं स्पेक्स की बात करूं, आपको यहां पे 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, बट HD प्लस रेजोल्यूशन है। यहां पे एक्सिनोस का 7904 प्रोसेसर का यूज किया गया, जो कि माली के G71 GPU के साथ आता है। 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज में ये अवेलेबल है। बैक में आपको ट्रिपल रेयर कैमराज देखने को मिलते हैं। 25 MP का मेन कैमरा है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड और साथ में 5 MP का डेप्थ कैमरा है। 16 MP का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। 4000 mAh की बैटरी है, जो कि 15 वॉट की चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आती है। NFC है और साथ में आपको Android 9 Pie देखने को मिलता है, One UI 1.5 के साथ। तो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा A30s जो है वो पूरी तरीके से बूट हो चुका है। तो अगर आपने गिव अवे में पार्ट लेना, दो कंडीशंस हैं हमारे पास गिव अवे के लिए, रेडमी के एयरडॉट्स एंड मी बैंड 4 है। आपको इस वीडियो पे लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। फिर मैंने आई बटन में आपको इनकी डेडिकेटेड वीडियो दी है, वहाँ पे आप कमेंट कर दो जाके कि आपको ये क्यों लेना है। आपको ये गिव अवे में 2 हफ्ते के बाद मिल जाएंगे।
यहाँ पर ना सीरियसली स्पीकिंग मेरे को सैमसंग ने इम्प्रेस किया है। मैं मानता हूँ कि इनकी बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक वाली है, बट ये स्मार्टफोन सच में बहुत स्लीक है एंड इनकी लुक काफ़ी अच्छी है, जैसा कि आप कैमरा में देख सकते हो, काफ़ी जेन्युइन लुक है मेरे ओपिनियन से। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की। यहाँ पर ये काफ़ी फास्ट है, जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी इंप्रूवमेंट की है सैमसंग ने। ये स्कैन काफ़ी जल्दी कर लेता है, बट वहाँ पे एनिमेशंस काफ़ी टाइम ले लेती हैं, इसलिए थोड़ा सा स्लो लगता है, वैसे काफ़ी अच्छा है। अगर इसके मैं फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो फेस अनलॉक भी इसका काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है बट काफ़ी जल्दी अनलॉक कर देता है, जो कि फिर से अच्छी बात है। अगर मैं इसकी सेटिंग्स में जाऊं तो यहाँ पे वैसे यार काफ़ी ब्लॉटवेयर, काफ़ी कुछ डाल के दिया दहेज में सैमसंग ने, एंड सैमसंग पे यहाँ पे लिखा हुआ, जो कि सरप्राइजिंग बात है मेरे ओपिनियन से। NFC का सपोर्ट भी है, बहुत अच्छा काम किया सैमसंग ने इस बार। एंड उसके बाद सॉफ्टवेयर इन्फो में जाके देखे, OneUI का वर्जन है 1.5, एंड्रॉयड वर्जन है 9। यहाँ पर ये 1 अगस्त के सिक्योरिटी पैच लेवल पर चल रहा है, जो कि फिर से अच्छी बात है। तो गाइज ये जो है 64GB वाला वेरिएंट है, यहाँ पे आपको 49GB जो है अवेलेबल मिल रही है। थोड़ा बहुत जो ब्लॉटवेयर है आप डेफिनेटली उसे अनइंस्टॉल कर पाओगे। ठीक है, ये स्क्रीन की क्वालिटी आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है। ठीक है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी की सैमसंग डिस्प्ले डालता है। यहाँ पे अगर मैं इसका कैमरा ओपन करूँ तो इसके भी रेयर कैमरा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो पहले कुछ शॉट्स लेता हूँ मैं यहाँ पे नॉर्मल मोड में, एंड लाइट यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, फोकसिंग तो काफ़ी अच्छी है इसकी, वाइड एंगल इसका सच में काफ़ी वाइड है और उसकी भी शटर स्पीड काफ़ी अच्छी है। ये है इसका फ्रंट कैमरा, तो यहाँ पे आपका भाई पहले ही काफ़ी सुंदर है, तो यहाँ पे इसकी ब्यूटी बंद कर लेते हैं। ठीक है, एंड काफ़ी वार्म टोन लेके आ रहा है, मेरे को नहीं पता क्यों, ये वाइड वाली लेते हैं, थोड़ी सी वाइड, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड ही है, तो ये है वाइड। अब अगर इसके हम फोटोग्राफ चेक करें ना गाइज, तो यहाँ पर डिटेल लेवल काफ़ी अच्छा, थोड़ा सा और शार्प हो सकता था, बट सैमसंग की कलर रिप्रोडक्शन काफ़ी अच्छी है, कॉन्ट्रास्ट भी मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी। ये है इसका वाइड एंगल एंड ये काफ़ी वाइड है, साथ में मेरा OnePlus 7 Pro जो है वो व्यू फाइंडर का काम कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कितना वाइड है, एंड यहाँ पे आपको डिटेल्स भी अच्छी मिल रही है। ये है मेन कैमरा, तो यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी अच्छी डिटेल्स मिल रही हैं, बट ये जस्ट एक इनिशियल सैम्पल है। गाइज ये थी एक क्विक सी अनबॉक्सिंग गैलेक्सी A30s की। होपफुली आपको ये सरप्राइज पसंद आया, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आपका कमेंट, क्वेरी, क्वेश्चन कुछ भी है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। अगर इसे परचेज करना है तो सारे लिंक्स और शॉप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। इस वाले वीडियो में केवल इतना ही था, एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।